Well, when you were alive, you never wanted salvation. How will your ashes be given the salvation? मतलब जब तक तो हम जिंदा थे तब तक तो हमें मुक्ति चाहिए नहीं थी. हाँ जब मर जाएंगे ना तो हमारी हड्डियाँ जा कर के कहाँ डाल देना, गंगा जी में डाल देना. पर कुछ संतों ने ये कहा, बोले गंगा क्यों, किसी भी नदी में डाल दो, किसी भी जगह डाल दो, मिट्टी में दबा दो ऐशिस को. क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो आजकल जब आप गंगा जी में, पहले ही इतना पोल्यूशन हो रखा है उस पर, सब ये अस्थियां हम उसी में डाले चले जा रहे हैं. और ये गंगा हमारे खेतों में पानी के लिए इस्तेमाल होती है, पानी पीने के लिए शहरों के लिए इस्तेमाल हम करते हैं. अगर इस गंगा में हम ऐसे ही अस्थियाँ 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 सब डालते जाएं, और कई जगह तो पूरी लाश ही डाल देते, कहते पक्की मुक्ति. मुक्ति मतलब लाश डाल दो, गंगा मैया तार दो. और वही गंगा जी का जल आगे गांव वाले लोग पीने वाले हैं पानी, ये तो अच्छी बात नहीं है. सन्यासियों में, साधुओं में, महात्माओं में ये चलन होता है, किसी महात्मा का शरीर चला जाए तो वो पत्थर बांध के उसको गंगा जी में डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं. पर आजकल हमारे बहुत सारे संत, अभी कुंभ में कुछ संतों से बातचीत हुई तो वो सब ये कह रहे थे कि भाई हमारा शरीर मरे तो गंगा जी में बिल्कुल नहीं डालिएगा, हमें गंगा को पवित्र करना है, साफ करना है, ना कि गंदी करना है. पहले आदमी बहुत थोड़े थे, पॉपुलेशन बहुत कम था, और गंगा जी का जल बहुत सारा था तो चलता था. हाँ, लेकिन अभी गंगा जी का जल इतना रह गया, ग्लेशियर ऊपर सूखता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, जंगल सारे कटते चले जा रहे हैं, काट काट करके पेड़ लोग फर्नीचर बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, गंगा के रेत के जो किनारे हैं वहाँ पर लोग खेती कर रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, फार्म हाउसेस बना रहे हैं. गंगा बहे कहाँ? और गंगा जी के प्रवाह में कितने तो डैम बना दिए हैं, पानी रोक दिया, प्रवाह कम हो गया. प्रवाह कम होने से ऑक्सीजन कम हो गई, और ऊपर से सब शहरों का कचरा, सीवरेज, मैंने सब टट्टी पेशाब दुनिया भर का सब शहरों का गंगा में डाल रहे हैं. अजीब बात है कि नहीं? एक तरफ गंगा मैया कह के प्रणाम करते हैं, दूसरी तरफ पूरे शहर का सीवरेज उसी गंगा जी में डाल रहे हैं. ये कैसी अकल है हिंदुओं की, और ये कैसी अकल है सरकारों की? ट्रीटमेंट प्लांट होने चाहिए, बने ही नहीं. लेदर इंडस्ट्री है और बहुत सारी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो भी इसी में डाल देते. कभी ना बोट लीजिए, और बोट लेकर के गंगा नदी अपस्ट्रीम जाइएगा, और फिर किस किस शहर का सीवरेज खुला गंगा जी में डाला जाता है अपनी आंखों से देख लोगे तो तुम रोने लग जाओगे कि हम कैसे दुष्ट लोग हैं. एक तरफ गंगा मैया जय, और दूसरी तरफ गंगा जी में टट्टी डाल देते, मल डालते, सीवरेज डालते, इंडस्ट्रियल वेस्ट डालते हैं, मरे हुए जानवरों को जो साफ करते हैं लेदर इंडस्ट्री, वो ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाते, वो भी सारा पानी इसी में जाता है. तो इस बार के कुंभ में कुछ संतों ने ये बैठ करके चर्चा करी कि ये बात सब हमारे शिष्यों को और धर्म के लोगों को बताई जानी चाहिए कि जहाँ तलक हो सके तो अब अपने किसी स्वामी या साधु के शरीर मर जाने पर गंगा जी में मत डाला जाए. और दूसरे, ये शरीरों का इलेक्ट्रिक क्रेमेशन होना चाहिए, लकड़ी वाला जो होता है ना प्रोग्राम, एक आदमी मरता है अपने साथ एक पेड़ पूरा मार देता है, पूरा एक पेड़ कटता है, कितनी लकड़ी लगती है. और यही तुम इलेक्ट्रिक में कर दो तो कम से कम एक पेड़ तो जिंदा रह जाए. हम कैसे पागल लोग हैं,
हम नया पेड़ तो नहीं लगाते पर जब हम मरते हैं ना अपने साथ एक पेड़ मार जाते तू भी मर सोचते नहीं हैं हम अभी पिछले दिनों एक हमारे वृद्ध महिला की मृत्यु हुई उनके पुत्र मुझे कहते हैं कि हमने तो बहुत कहा कि इलेक्ट्रिक क्रेमेशन करें पर मेरे बाकी सब भाई ना माने ही नहीं वो कहते नहीं नहीं हम तो शमशान में लकड़ी के साथ ही जलाएंगे मैं मतलब मूर्खता की कोई हद है ऐसे वो सब इंजीनियर हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पर मौत का मामला आते ही सडनली सारे बड़े अजीब से धार्मिक हो जाते कैसा धर्म है तुम्हारा जो सिर्फ मौत के समय ही जागता है आगे पीछे तो जागता ही नहीं ना संत ना सत्संग ना हरि कथा ना भजन ना कीर्तन कुछ नहीं पर मरते समय तब इनको गंगा भी याद आ जाती है तब इनको लकड़ी वाला क्रमेशन भी करना है और पंडित भी उस समय चाहिए चाहे सारी जिंदगी किसी पंडित की शक्ल न देखी हो एक बार ऋषिकेश में शिविर में हमारे एक शिष्य की मृत्यु हो गई तो परिवार ने कहा कि हम इसकी बॉडी को वापस नहीं लेके जाते तो हम यहीं पे दाह संस्कार कर देते तो अब वो ढूंढे कि कहाँ करना है तो कोई जगह बताई गई फिर वो एक पंडित जी को लाए मैं तो वो पंडित की हालत देखूं उसके तो अपने ही मतलब बुरी हालत है बिल्कुल चलने में भी मुश्किल और उसने अपने से भी ज़्यादा बूढ़ी एक किताब निकाली जिसमें सारे मंत्र लिखे थे जो उसने पढ़ने थे तो चार लोग वो कहे अच्छा गंगा जी में मुर्दे को स्नान कराओ और वो मंत्र तू पेज ढूंढे पेज कहाँ है पेज कहाँ है फिर उसे पेज मिल जाए तो वो वहाँ से मंत्र पढ़ दे फिर बोले अब यहाँ रख दो अब दिया जलाओ अगरबत्ती जलाओ फिर वो ढूंढे अच्छा ये वाला मंत्र है और फिर अगला मंत्र करने से पहले उसको पता नहीं क्या करना था किताब साइड में रख दी फिर मैं किताब कहाँ है किताब कहाँ है किताब कहाँ मान लो कर लो बात इस मंत्र के पढ़े किसकी मुक्ति होगी बताओ वो मंत्र अगर जागृत शक्तियां हो भी जाएं तो वो कहेंगी किसको तारना है किसको तारना है जो पढ़ रहा है इसको कि जो खड़े हैं इसको या जो लेटा पड़ा किसको मैं उस दिन पढ़ रही थी एक आजकल वो टैक्सी होती है ना फोन में ऐप से मंगा लो हर चीज के लिए ऐप हमारी भी ऐप ऐसी क्या बात है हम किसी से कम आएगा तो वो टैक्सी के लिए उन्होंने अपनी ऐप में से कॉल किया कि इतने बजे इस एड्रेस में टैक्सी चाहिए तो तुरंत वहां से 10 मिनट में मैसेज आ गया योर कैब इज रेडी वेटिंग फॉर यू एट गेट नंबर दिस ड्राइवर इज यमराज द ड्राइवर्स नेम इज यमराज एंड ही इज वेटिंग फॉर यू कितना मैंने नहीं जाना आई डोंट वॉन्ट टू गो विद द ड्राइवर हुज नेम इज यमराज Sorry, I'm cancelling. So he cancelled his taxi. No, I don't want to go. Mantra padhe, murda to sun nahi raha. Sun raha? Soch ke dekho, badi achhi advertisement ban sakti hai iske upar. I'm giving idea, maybe somebody likes it and uses it. Ke murda padha hai, sab log ro rahe hai, pandit ji paath kar rahe hai. और पंडित जी गलत पाठ करें और मुर्दा उठ के बैठ जाए रॉन्ग यू आर नॉट चैंटिंग प्रॉपरली यूज ऐप अमृत वर्षा फॉर राइट मंत्रस नहीं अभी हमारी ऐप में ऐसे कोई मंत्र है नहीं फिलहाल वैसे डाल देंगे मैं तो यही सोच रही हूं पक्की ये काम कर ही देते हैं तो और क्या अपने मंत्र आप ही पढ़ लो जिंदे में पढ़ो भाई मरे का क्या फायदा
मरे का क्या फायदा? तो संतों में मृत्यु पर कभी शोक नहीं करते. क्यों? वो कहते शरीर ही तो जा रहा है. और महात्मा, तुम्हें क्या बताऊं, मुझे बताने की इच्छा हो रही है. हमारे ऋषिकेश में एक स्वामी जी थे, स्वामी लक्ष्मण दास. मुझे एक बार उनसे, उनके भक्त लोग आए कि स्वामी जी आपको मिलना चाहते हैं, और बड़ी उम्र के थे और वो गंगोत्री में गोमुख में रहे थे जवानी में अपनी. मैंने सिर्फ लंगोटी में -30-40 डिग्री में वो रहे थे, कोई 15-20 साल वहाँ रहे थे. फिर वो नीचे आ गए ऋषिकेश में. मैं गई उनको मिलने. वो मेरे से भी लंबे थे, वो खूब चौड़े थे, और उस समय उनकी उम्र 75 से ऊपर होनी चाहिए, पर गोरा चिट्टा उनका पंजाबी शरीर था. वेरी टॉल एंड पिंक, यू नो, एकदम रोजी चीक्स एंड ब्यूटिफुल फेस एंड वेरी बल्की बॉडी. तो वो जैसे मैं गई उनको मैं प्रणाम करने के लिए, इससे तो वो ऐसे उन्होंने हमको गले लगा लिया. अब हम तो फंस गए महाराज, भालू ने जप्फी मार ली हमको. ऐसा लगे, मैंने सांस भी नहीं आ रहा था, लगे क्या हो गया. नॉर्मली क्या है, संत लोग बहुत स्टिफ होते हैं, अक्सर कंजर्वेटिव, दे आर वेरी स्टिफ. तो ऐसे बस दूर दूर से बात है तो नमो नारायण ऐसे ठीक. अब ये तो ऐसे कि बहुत प्यार आया उनको, और फिर खूब वो मेरे टेप मंगा करके मेरे भजन सुनते थे. अब मेरे सारे भजन उनको अच्छे लगते थे और मेरे को टेप्स दिखाए, ये भी है, ये भी है, ये भी है. मुझे इतनी हैरत हो रही थी कि इतना त्यागी भीतराग महात्मा, जिनकी कुटिया के सामने से हम कई बार गुजरते थे तो मन होता था मिलें, पर पता चलता था वो तो गंगोत्री में रहते, यहाँ रहते ही नहीं हैं. और वो हमें सुनते, कैसी अजब बात. तो उन्होंने मुझे हारमोनियम दे दिया कि मुझे सुनाओ. तो उनको बहुत सारे भजन सुनाऊं, और बड़ा प्यार, बड़ा आदर, बड़ा मान. फिर हम लोग आ गए वापस. अगले साल के बाद की बात है, फोन आया वहाँ से कि भंडारा है. भंडारा मैंने सब संत इकट्ठे होते हैं, सबको भोजन भेंट दक्षिणा आदि दी जाती. मैंने कहा मैं तो नहीं जाती भंडारे में, मुझे नहीं जाना. फोन आते रहे, चूंकि मैं तो सुन नहीं रही हूँ, हमारे शिष्य लोग सुन रहे, तो खैर हम गए नहीं. और फिर हमको कोई हफ्ते बाद हमारे एक और स्वामी जी ने फोन किया, वो कहते स्वामी लक्ष्मण दास जी का शरीर चला गया. मैं हैं? कहते आपको उन्होंने फोन नहीं किया था? मैं आया था, उनके शिष्य का फोन आया था. बोले पहले मैंने भी मना किया कि मैं रोटी खाने तो नहीं आऊँगा, पर फिर उन्होंने मेरे से फ़ोन में बात करी और उन्होंने कहा कि स्वामी रोटी के लिए नहीं बुला रहा हूँ, मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, आखिरी बार मिल तो ले. अब चूंकि मेरे से तो फ़ोन में बात हो नहीं सकी, तो मुझे नहीं मालूम. हम सोच रहे वैसे ही भंडारा, वो करते ही रहते थे भंडारे. बोले मैं गया और सब संत आए, सबको वो मिले, और बहुत मतलब ट्रकों के ट्रक वो सामान मंगाते थे ऋषिकेश हरिद्वार के साधुओं संन्यासियों, कभी कपड़े, शॉल, जूते, स्वेटर, मैंने जो भी ज़रूरत की इस्तेमाल की चीज़ हो सकती है वो संतों की सेवा. स्वयं संत हैं पर दूसरे संतों की सेवा के लिए वो बड़ा सामान बांटते थे, और बड़े इस मामले में भी प्रसिद्ध थे. बोले हम गए और सबने भंडारा खाया और वो सबको मिले, और सबको कहते कि अब देखो शरीर मैं छोड़ने वाला हूँ. और इस भंडारे के 4 दिन बाद वो शरीर उनका बहुत अस्वस्थ हो गया. वो दिल्ली हॉस्पिटल में ले आए उनके भगत, लेकिन एक के बाद एक कॉम्प्लिकेशंस हो गई एंड ही डाइड. नाउ इन अ वे ही डिड हिज भंडारा हिमसेल्फ. He met all his Swami friends, had good food with them, had good talk with them, laughed with them, spent such a beautiful time.
क्योंकि वो 80 प्लस के थे जब उनका शरीर गया है तो साधुओं के संग दोस्ती मैंने 70 साल की क्योंकि वो बहुत 15-16 साल के थे जब उन्होंने घर छोड़ दिया था और अपने गुरुजी के साथ वो साधना में लग गए थे. कहने का भाव क्या है कि संतों में तो अनाउंसमेंट होता है, भोज होता है. आपके शब्दों में कहूँ तो पार्टी होती कि जाने वाले हैं, अब तो शरीर छोड़ने वाले हैं. और अगर मन में कोई इच्छा धर्म के प्रचार की, शिष्यों के उद्धार की, कोई ऐसी भी इच्छा जिसके नहीं रही, तो मन का मूल अज्ञान तो नष्ट हो चुका है. अब बीज ही नहीं है तो दोबारा उनके जन्म का पौधा तो अब लगेगा नहीं. अगर बीज को भून दो, इफ यू ड्राई रोस्ट एनी सीड, देन दिस डेड सीड विल नॉट बिकम अ प्लांट बिकॉज इट हैज लॉस्ट इट्स स्प्राउटिंग पावर. उसके जो शक्ति होती है बीज फूट के अंकुर बनने की, वो खत्म हो जाती है अगर भून दें. तो जिसने अपने मन को ज्ञान की अग्नि में भून दिया है, साधना की अग्नि में भून दिया है, वेदांत ज्ञान से जिसने समझ लिया कि मैं अमर आत्मा हूँ, ना स्थूल शरीर, ना सूक्ष्म शरीर, ना कारण शरीर हूँ, उसे मृत्यु का क्या डर.